नमस्कार, स्वागत है आपका भारत टुडे न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ अर्शना गुप्ता। रुक कर लेते हैं इस वक्त की खबरों का। मुजफ्फरनगर के कस्बा खतौली जीटी रोड पर स्थित मंडी समिति में उपचुनाव को लेकर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया। योगी बोले, उत्तर प्रदेश में बहन बेटियां सुरक्षित हैं। उत्तर प्रदेश में किसी भी प्रकार का कोई अपराध नहीं हो रहा है। डबल इंजन की सरकार निरंतर विकास कार्य कर रही है और प्रदेश को अपराध मुक्त करने का कार्य भी कर रही है। मंच की अध्यक्षता कर रहे विजय शुक्ला ने भारत माता की जय के नारे लगाए और राजकुमारी सैनी के लिए जनता से 5 तारीख को होने वाले उपचुनाव के लिए वोट की अपील भी की। पूर्व विधायक संगीत सोम बोले कि विक्रम सैनी की सदस्यता किसी मर्डर या कोई अपराध करने की वजह से नहीं हुई है, वह तो बहन बेटियों की रक्षा करते करते गई है। उन्होंने ये भी कहा कि जब से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में आई है, बहन बेटियां सुरक्षित हैं, किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना का समाचार नहीं मिलता। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने भी लोगों से अपील की कि वह अपना वोट भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजकुमारी सैनी को करें। मंच पर उपस्थित सभी पदाधिकारियों ने अपने अपने विचार रखे और सभा का समापन किया। और कांडला का प्लान बंद हुआ, जो भागे हुए थे वे व्यापारी वापस आए हैं। आज फिर से किराना और कांडला में रौनक फिर से देखने को मिल रही है। बहन और बेटियां सुरक्षित हुई हैं, गुंडा टैक्स बंद हुआ है। और भाइयों बहनों, सपा और लोकदल की जोड़ी फिर से गुंडा टैक्स दिलवाना गंडा टैक्स को प्रारंभ करने की साजिश का हिस्सा बना हुआ है। किराना और कांदला जैसे प्लान के लिए फिर से साजिशें रच रहे हैं। फिर से वह चाहते हैं कि बेटियां और बहनें फिर से सड़क पे ना आने पाए, तालिबान जैसा शासन चाहते हैं। लेकिन आपको मैं ये गारंटी देने के लिए आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार किसी भी प्रकार के राजकता और गुंडागिर्दी को पनपने नहीं देगी। जो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में उसको समझाने का कार्य भी करेंगे। और इसीलिए आज फिर मैं आपके बीच आया हूं। हमने विकास में कोई भेदभाव नहीं किया, भाइयों बहनों, कोई भेदभाव नहीं किया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ हर किसान अन्नदाता किसान को दी जा रही है।